अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी मॉर्निंग ग्लोरी से कुछ सीड जो है वो कलेक्ट करके लाई थी। अभी भी इनका जो है सीज़न है, हम इनको ग्रो करते हैं। कुछ एक सीड जो है मैं ग्रो करने लगी थी, मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका सीड पॉट कैसा होता है, इनके सीड कैसे आते हैं। ये देखें, ये इसका सीड है। मैं इनका फ्लेवर, इनके जो फ्लावर हैं वो भी मेंशन करूँगी वीडियो में। बहुत ही प्यारे इसके फ्लावर होते हैं, सुबह सुबह इसके जो हैं फ्लावर खिलते हैं। ये जनवरी में तकरीबन जब इसके फ्लावर खिलते हैं वो तो काफ़ी देर तक रहते हैं, जब मार्च तक तकरीबन जो है सारा दिन ही इसके खिले रहते हैं। लेकिन जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है तो फिर ये सुबह सुबह ही सिर्फ खिलते हैं। तो चलें आज इसके सीड को ग्रो करते हैं और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कितने दिनों में ये जो है इसी तरह ताज़ा जो है मैंने सीड तोड़ा है और इनको ग्रो किया है, ये कितने दिनों में ग्रो हो जाएंगे। और दिसंबर के महीने में अगर हम कोई सीड ग्रो करते हैं तो फिर उसको किस तरह हम इस जो है जल्दी से जल्दी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो मैंने सॉइल ली है, ये जो है सॉइल एक हिस्सा जो है गार्डन सॉइल है और एक हिस्सा इसमें जो है सैंड मिक्स की है और कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी सी इसमें मैंने कोकोपीट भी डाली हुई है। तो चलें इसमें मैं अब देखें, सॉइल काफ़ी नीचे है लेकिन कोई बात नहीं, इतनी सी सॉइल में ही हम इसको ग्रो कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने कुछ एक जो है इसके सीड जो ग्रो करूँगी, बाकी जो है मैं उनको सेव कर लूँगी, नेक्स्ट फिर कभी ग्रो करेंगे मार्च अप्रैल में। तो ये देखें, मैं आप लोग को इसका हॉल भी तोड़ के दिखाऊंगी कि कैसे जो है, ये देखिए इनको ऐसे हल्का सा मैं दबा दूंगी और फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कुछ दिनों में शेयर करेंगे। तो ये अब मैंने इनको दबा दिया, अब मैं इनको पानी देती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ। तो ये देखिए अब मैं इसको पानी देती हूँ, तो उसे ये पता चल जाएगा कि हम दिसंबर में भी सीड ग्रो कर सकते हैं और कितनी आसानी के साथ कितने दिनों में ये सीड जो है वो हमारे ग्रो हो जाएंगे। तो बस इसको मैंने इस तरह अच्छा सा पानी दे लिया और देखें ये कोकोपीट जो है वो ऊपर आ चुकी है। बस कोई ख़ास नहीं, हल्का सा इसको हम पानी अब देंगे और उसके बाद चेक करते रहेंगे, जब ज़रूरत होगी तो पानी दे देंगे, वरना ये इसके ऊपर शॉपर जो है इस तरह लगा देंगे और कोई ख़ास केयर नहीं करनी। बस इसको यहाँ पर फुल डे की सनलाइट में रख लेंगे, धूप जहाँ पर आए बस, ये देखिए ऐसे ऐसे करके इसको फुल डे की सनलाइट में रख लेंगे। तो जब ये इस तरह कुछ ना कुछ ग्रो हो जाएंगे तो फिर इनके ऊपर से कवर उतार देंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो मैंने सोचा चलें अब आपको ये भी दिखाते हैं। और अब मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट जब आएगा तो दिखाऊंगी, लेकिन ये दिखाऊं कि ये देखें इसके जो हैं शेल में से बिल्कुल, ये देखें इस तरह इसमें, और इसमें से ये सीड किस तरह निकलते हैं, ये तोड़ के आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये देखें ये एक सीड निकल आया और ये देखें, ये देखिए ये हमारे पास जो है तीन इसमें से सीड हासिल हो गए। तो अब मैं इनको सुखा लेती हूँ, फिर नेक्स्ट मार्च में भी इनको ग्रो करेंगे। बहुत प्यारे फ्लावर देते हैं गर्मियों में, तो जब खुसूसन गर्मियाँ होती हैं उसमें तो ये सुबह सुबह ही बस खिलते हैं। तो ये जब विंटर के सीज़न में अगर कुछ पहले लगा देती तो फिर ये इसके सीज़न, ये जो जनवरी में और फरवरी में तकरीबन ये जो है सारा दिन ही इसके खिले रहते हैं। ये देखिए आज मैं आपको अपनी ये जो मॉर्निंग ग्लोरी के सीड ग्रो किए थे उसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए कितने अच्छे ग्रो हो चुके हैं और मैंने अभी इसके ऊपर से शापर उतार दिया है। अब कुछ दिनों के बाद जब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत शदीद सर्दी है, सारा दिन जो है वो धुंध ही पड़ी रहती है। तो मैं अब ये जो है बहुत कम जो प्लांट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करती हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉपर सी धूप निकलेगी फिर इनको ट्रांसफ़र करेंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे यहाँ। तो ये देखिए कुछ और भी है मेरे पास पौध, इन पर से मैंने सारे जो हैं शपथ उतार दिए हैं। ये देखें ये कुछ पौधे हैं,
और ये कुछ थी, ये तो काफ़ी हद तक अभी ये डैमेज हो रही है, बस धूप बहुत कम निकल रही है हमारे यहाँ, तो इसलिए कुछ पौध जो है वो डैमेज भी हो रहे हैं। किसी के ऊपर मैंने शॉपर भी चढ़ा दिया है, बस ये जो है इसी तरह ही है। तो चलें आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ एक फ्लावर जो हैं वो भी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से नस्ट्रेशियम ने बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट करनी शुरू कर दी है। ये देखिए बस धूप अब बहुत कम निकल रही है, जिसकी वजह से ये जो है इसकी बर्ड्स जो हैं खिल नहीं पा रही।